Morning, friends. This is your host Ashish Barua from Barua's Way. Today, we are discussing the weekly and monthly currency analysis. Please watch till the end to get most information. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative, and effective content for you. Without further ado, let's begin. Today is 3rd of July 2022, Sunday. Let's see what happened in previous months and previous weeks. And accordingly, we'll try to understand the weekly and the monthly probabilities in the different currency pairs. Dollar index, jo Friday ko close hua hai 105.12 pe. Agar hum monthly chart ko dekhne ka koshish karenge, some sort of W pattern. But the location of this particular W is not perfect one. ये अगर bottom में W form होता तो definitely एक buy के लिए बहुत बढ़िया सा up move देख सकते थे. ये यहाँ पे अगर हम previous देखेंगे 2002 December महीने में इस particular level 107.25 level से एक अच्छा खासा fall आया था and उससे पहले आपका आया था February 2002. So these two levels are very crucial for monthly perspective. Yani, aapka 107.25 and 120 on a monthly perspective are very crucial resistance level. So immediate jo hai 107.25 se 50 ke taraf hoga. Agar hum weekly mein is analysis ko dekhenge, to करेंट वीक में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है व्हिच निगेटेड द उससे पहले वाला जो वीकली कैंडल है जो नेगेटिव कैंडल है उसको निगेट करके ऊपर गया है. दैट बीइंग द केस अभी भी कोई सॉफ्ट होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं है. हल्का सा एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस लग रहा है लेकिन उसके लिए अभी हमें कन्फर्मेशन जरूरी है. यानी ये देखिए एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस आ रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फर्मेशंस चाहिए. कॉन्फर्मेशंस क्या है कि वीकली बेसिस पे इसके लो के नीचे क्लोज देना है तभी जाके हमें यहाँ तक एक प्राइस एक्शन हम सोच सकते हैं. अभी यहाँ पे आने के लिए कोई इंडिकेशंस एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ बरकरार है. अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में भी एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन है जो थर्सडे को एक नेगेटिव कैंडल हो रहा था लेकिन फ्राइडे को उसको फिर रिकवर कर लिया था. बट यहाँ पे बैक टू ट्विजर्ट ऑफ कैंडल्स फॉर्म हुआ है. सो ये आउटसाइड इनसाइड में आपका 1 जुलाई यानी फ्राइडे का लो के नीचे अगर थोड़ा कंटिन्यू करेगा देन वी मे बी एक्सपेक्टिंग 103.50 एंड उसके नीचे फिर अनदर दो बिगी यानी 103.50 टाइप हो सकता है. अभी भी कॉन्फर्मेशन नीडेड है. डॉलर रुपी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है 78.91 लेकिन जून महीने में एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल दिया है एंड उसका जो रेंज है 77.37 से 79.08 ये अनचार्टेड टेरिटरी में डॉलर रुपी बैठा हुआ है तो हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन चाहिए रिवर्सल के लिए जो अभी तक हमें मिल नहीं रहा है. वीकली में भी कोई नेगेटिव कैंडल दिख नहीं रहा है. हम पहले हफ्ते में सोच रहे थे कि इसके लो के नीचे अगर जाएगा तो हम कुछ सेल ऑफ देख सकते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो 77.88 आप अगर देखोगे मेरा प्रीवियस दो तीन डेली करेंसी एनालिसिस में मैं बार बार ये बोल रहा था अगर ये 78.88 के नीचे ट्रेड होता है ड्यूरिंग द डे तो हमें एक थोड़ा सा सेल ऑफ टुवर्ड्स 78.40 या 78.50 के तरफ मूव करने का एक्सपेक्टेशन है लेकिन उसके नीचे जा ही नहीं रहा है. वो 79 बिग फिगर के आसपास ही घूम रहा है. तो वीकली में भी कोई सेलिंग या रिवर्सल कैंडल्स एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है. हमें जब तक कोई नेगेटिव कैंडल दिखता नहीं है तब तक बाय डिप्स ही हमें देखना है.
डेली में आप देखोगे पिछले 3 दिन में एक कंसोलिडेशन हुआ है एक पार्टिकुलर रेंज में, जो है आपका 79.10 और 78.90 इसके बीच में ही कंसोलिडेशन हो रहा है। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका 22nd जून, 23rd जून एंड 24th जून सिमिलर टाइप ऑफ 3 कैंडल फॉर्म हुआ था, जिसके नीचे हम लोग सेल ऑफ के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेल ऑफ का अता पता नहीं था, उल्टा उसके हाई के ऊपर बूम करके भाग गया। सिमिलरली मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है कि ये 3 कैंडल के हाई के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन करता है तो डॉलर रुपी में हम एक नया लेवल देख सकते हैं। अगर ये 3 दिन का जो लो है उसके लो के नीचे अगर सेल ऑफ होता है, आवरली बेसिस पे कैंडल क्लोज देता है, देन वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 78.50 के तरफ। जीबीपी डॉलर मंथली में बहुत ही एक बड़ा सेल ऑफ हुआ था एंड ये जो आपका पहले का जो सपोर्ट एरिया था वहां पे जाके रुका था एंड कल 1.2093 पे क्लोज दिया है। ये मंथली बेसिस पे हमें देखना है कि कन्विंसिंगली ये नीचे की तरफ तोड़ता है या यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें मंथली बेसिस पे देखना है। वीकली बेसिस में भी सिमिलर, ये लो लेवल पे वन बिलो 1.20 आया था लेकिन काफी अच्छा खासा से बाई बैक हो गया था। सो यहाँ पे बेसिकली हमें ये जो सब पहले भी आप देखिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था एंड उसके बाद वाला जो इमीडिएट कैंडल था काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल था एंड बिकॉज ऑफ विच एक बड़ा सा ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम देखा था। यहाँ पर भी हमें देखना है कि क्या एक सेल ऑफ इस टाइप का कैंडल देता है आपका इस टाइप का एक सेल ऑफ कैंडल देता है या नहीं एंड उसके बाद फिर दोबारा एक रिट्रेस करता है या नहीं। ये इस टाइप का अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है एंड नेक्स्ट कैंडल पे इमीडिएटली उसका पूरा का पूरा भरपाई हो जाता है, इट गिव्स ए बिग रिवर्सल साइन। डेली में भी देखेंगे ये लोअर पार्ट में कंसोलिडेट कर रहा है, जो हमारा 16 जून का रेंज था उसके लो के नीचे अभी तक क्लोज दिया नहीं है, हमें इंतजार रहेगा 16 जून के लो के नीचे क्लोज देने का। कल 16 जून के लो के नीचे आया था लेकिन फिर दोबारा ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में तो दोनों साइड में खेल सकते हैं, छोटा बाई भी कर सकते हैं, छोटा सेल भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म फ्रेम के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर मंथली भी एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे बैठा हुआ है, हमें इंतजार है कि यहाँ पे मंथली पे किस टाइप का प्राइस एक्शन होता है। अभी रिवर्सल के लिए इंतजार है लेकिन कोई सिग्नल्स नहीं है, उल्टा बार बार सेल ऑफ हो रहा है। वीकली में भी लोअर लेवल पे थोड़ा सा आउटसाइड इनसाइड बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आउटसाइड इनसाइड क्या यहाँ तक आएगा 108 तक वो हमें देखने वाला बात है, लेकिन हमें वेरी केयरफुली प्राइस एक्शंस का मॉनिटर करना है, वेदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशंस, वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द टू। कंटिन्यूएशंस के लिए भी रेडी रहना है और रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना है। डेली अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफी कंसोलिडेशंस देखा गया है, तो एज ऑफ नाउ ये पर्टिकुलर डेली बेसिस पे हमें एक रेंज मिल गया है ऊपर का 108 एंड नीचे का आपका 103.50, इसके बीच में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है जब तक कोई क्लियर कट डाउनवर्ड मूव या अपवर्ड रिवर्सल्स मिले। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मंथली बेसिस पे सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है, इसीलिए सेल करेंगे तो हमें केयरफुली करना है। छोटा मोटा इंट्राडे बेसिस में कोई भी कुछ भी कर सकता है, बाय साइड से भी प्रॉफिट कर सकते हैं, शॉर्ट साइड से भी प्रॉफिट कर सकता है, दैट इज नॉट द मेजर थिंग। हियर मेजर थिंग इज टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम और द पल्स ऑन ए लॉन्गर पर्सपेक्टिव। डॉलर यन मंथली में एक अच्छा सा कप फॉर्मेशन था जिसका एक्चुअल टारगेट है आपका ये 149 के आसपास, लेकिन जनरली पीपल बोलते हैं कि करेंसीज में कप का पैटर्न का कोई इम्पैक्ट नहीं है,
हमें देखना है क्या होता है या नहीं होता है। अगर हम मंथली में देखेंगे तो आपका देखोगे ये अप्रैल महीने का जो कैंडल था, एक ये ब्रेकआउट किया, फिर एक पॉज दिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया जून महीने में ऊपर की तरफ। अभी ये वाला मंथ में क्या इसका कंटिन्यूशन होता है या थोड़ा पॉज होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली में देखें, वीकली में देखेंगे तो बैक टू बैक 2 दिन जो है, 2 वीक में एक ट्विजर टॉप फॉर्मेशन किया है। ये ट्विजर टॉप के लो के नीचे ही हमें कुछ सेलिंग का इंडिकेशन मिल सकता है, यानी 134.3040 के नीचे ही हम कुछ सेलिंग के लिए इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिप्स में भी कंसीडर्ड हियर। डेली में जैसे कि हम अपना डेली एनालिसिस में बार बार बोल रहे हैं कि जब तक इसके ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक सेलिंग के लिए सोचना भी नहीं है। फ्राइडे वाला जो क्लोज था ये जस्ट बॉर्डर लाइन पे है क्लोजिंग, तो यहाँ पे कॉन्फर्म सेलिंग के लिए कोई इंडिकेशंस नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर भी काफी आपका प्राइस रिजेक्शंस हो रहा था नीचे की तरफ, जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक ये वाला नेक लाइन दैट इज 98.50 आना इतना इजी नहीं होगा। इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो वी मे थिंक अबाउट सम बाइंग पोजीशंस। डेली में भी यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन हो रहा था एंड 16 जून का जो रेंज है उसके बाहर जब तक नहीं बैठता है तब तक ये विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज ही चॉपी मूवमेंट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। डॉलर कैंडी मंथली जो है क्रिशियल आपका रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है, ये वाला हमें देखना है कि यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास करता है या तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो रिवर्सल कैंडल देखना पड़ेगा, तोड़ के ऊपर जाता है तो ये जुलाई महीने में एक बड़ा सा बुलिश मंथली कैंडल देना पड़ेगा। और अगर साइडवेज कंसोलिडेशन करता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। वीकली में देखेंगे वही ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे आपका कन्विंसिंगली क्लोज दे के ऊपर जा नहीं पा रहा है। इसको अगर ऊपर जाना है तो कन्विंसिंगली इसके ऊपर बिग ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एक इंतजार करना पड़ेगा। डेली में भी यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये वाला एक 28 जून का एक पिन बार बना है और 1 जुलाई का एक पिन बार बना है, यानी ये 1 जून का हाई, 1 जुलाई का हाई एंड 28 जून का लो एक रेंज है, इसके बाहर ही एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर मंथली में ये जो रेंज है आपका मार्च 2020 एंड फरवरी 2021 इसके बीच में ही है, एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड अराउंड 40-45% रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे हालांकि आरएसए टर्म्स में एक सेल ऑफ के लिए इंडिकेशन है एंड आपका ये मई महीने के लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में देखेंगे लास्ट वीक में एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड ये जो रिसेंट स्विंग लो है उसके लो के नीचे क्लोज दिया है, डेट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ होगा। हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 0.6450, 0.6500। तो यहाँ पे अगर आपको सेलिंग के लिए कुछ बढ़िया सा अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो आप कर सकते हो एंड वी में टारगेट 0.65 एज आवर नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि मंथली भी काफी बियरिश है, वीकली भी काफी बियरिश है। डेली में भी ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे दे दिया है, अगर मंडे को इसके लो के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज दे देता है तो सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। डॉलर सीएनएच जो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पे है दैट इज 6.70, इसी में आपका पिछले 2 महीना जून मई एंड जून ट्रेड किया है और यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली कोई मीन्स बिग रेड कैंडल या बिग ग्रीन कैंडल बना नहीं है, इट्स ए डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स, मीन्स इनडिसीशंस बरकरार है, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। और अगर मंथली पर्सपेक्टिव में देखेंगे जब तक मई महीने के हाई के ऊपर
वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं दे देता है, ऊपर की तरफ इतना जल्दी नहीं जाएगा। और अगर लो के नीचे, मई महीने के लो के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज दे देता है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में देखेंगे, बेसिकली हमने देखा है कि ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। इसका कंफर्मेशंस आएगा जब ये कैंडल आपका 31st में वीक वाला जो कैंडल है उसके लो के नीचे चला जाता है, ट्रेड करता है, देन एंड ओनली देन वी कैन कंसीडर इट एज ए लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस। एज ऑफ नाउ ये आपका 13 जून का हाई एंड 31st मई वीक का जो लो है उसके लो के अंदर में ही ट्रेड करने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डेली बेसिस पे एक कंसोलिडेशंस हो रहा है एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो जब तक ये ट्राइंगल के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशंस एक्सपेक्टेड है। यूके ब्रेंट ऑयल जो जुलाई महीने में एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शंस दिया है, लेकिन 1 जुलाई स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वहां पे आप देखोगे उसका थोड़ा सा एक बुलिश अपवर्ड मोमेंटम हुआ है। अभी जब तक जून महीने के लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है ऑन वीकली बेसिस तब तक मीन्स एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेल ऑफ के लिए भी मीन्स बड़ा सेल ऑफ के लिए कोई इंडिकेशंस ऑन मंथली पर्सपेक्टिव में दिख नहीं रहा है। वीकली में अगर हम देखेंगे तो आपका ये 97 एंड 124 इसके बीच में एक रेक्टेंगल रेंज बनाया है जिसके ऊपर काफी हफ्तों से ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशंस होने के बाद एक आइदर साइड में एक धमाका हो सकता है। ऊपर के तरफ एक बूम करके टुवर्ड्स 150 एंड नीचे के तरफ एक डूम करके 71 के तरफ, 70-71 के तरफ एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वीकली बेसिस पे जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड वी शुड बी रेडी फॉर आइदर डायरेक्शंस। डेली बेसिस पे ये एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस कर रहा है, लेकिन अभी 22 जून के लो के नीचे जब तक क्लोज नहीं दे देता है तो ये कंटिन्यूशंस नहीं है। एंड ऑल्सो आने वाले दिन में हमें देखना है 29 जून के हाई के ऊपर क्लोज ना दे। 29 जून के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है यानी करीबन 120 पॉइंट समथिंग, 120.40 इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस है ये निगेट हो जाएगा। यानी अभी जो हल्का सा सॉफ्टनेस हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल पे वो टूट जाएगा एंड वॉलीटिलिटी अगेन बरकरार हो जाएगा। तो हमें देखना है इसके ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं दे देता है। नहीं दे देता है एंड 22 जून के लो के नीचे क्लोज दे देता है तो एक सेल ऑफ कंटिन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी आपका जून महीने में एक न्यू हाई बनाया था जो आपका 3.4970 था एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड वेरी मच। ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर मंथली बेसिस में क्लोज दे देता है आने वाले महीनों में देन मीन्स इसका बहुत ही गंदा रिपरकेशंस होगा। 3.28 एंड यानी करीबन 250 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर हो सकता है। हालांकि अभी तक क्लोज नहीं दिया है, इसके आप ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो यानी यूएस इकोनॉमी का तो बंटाधार है। मंथली बेसिस पे बंटाधार इसीलिए है क्योंकि उसका जो टारगेट हो जाएगा आपका 3.5 से फिर अनदर 2.5 बेसिस पॉइंट्स यानी आपका हो जाएगा 5.5-6 बेसिस पॉइंट्स। अगर अगर हम अभी 5.5 एंड 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में यूएस का बताएंगे तो सब मिलके मेरे को मारेंगे क्योंकि अभी कॉन्फर्मेशन है नहीं। ये कॉन्फर्मेशन अगर इसके ऊपर मंथली क्लोज दे देता है एंड उसके बाद उसके हाई के ऊपर अगले महीने कंटिन्यूएशन होता है तो 5.5-6 आने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गुड न्यूज ये है
जून महीने में प्राइस गॉट रिजेक्शंस, यानी अच्छा खासा रिजेक्शंस हुआ है एंड काफी सॉफ्टनेस दिख रहा है। तो ये जून के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो और भी थोड़ा मंथली बेसिस में हम इसको सॉफ्ट मान सकते हैं। तो जो 5.5-6 डरने का नहीं है, क्योंकि अभी क्लोज देने में काफी दूर बाकी है। रेदर शायद उससे पहले जून महीने का जो लो है उसके लो के नीचे क्लोज दे दे जुलाई महीने में या अगस्त महीने में। इन सच्चे सिनेरियो प्राइस एक्शंस थोड़ा सेल ऑफ के लिए इंडिकेशंस करेंगे। वीकली बेसिस में देखेंगे तो एक आउटसाइड इनसाइड था, वो आउटसाइड इनसाइड का जो टारगेट है ये आपका 23 मई वाला वीकली कैंडल का लो, विच इज अराउंड 2.70 के आसपास आउटसाइड इनसाइड का टारगेट। एक बार अगर आउटसाइड इनसाइड का टारगेट मेट होता है उसके बाद इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है, देन एम पैटर्न आ जाएगा। इन सच ए सिनेरियो एम पैटर्न 2.70 एंड 3.25, यानी 55 बेसिस पॉइंट्स का और नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.70 एंड 55 हो गया 2.15, 2.15 की तरफ हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी काफी इसको क्लोज देना है इसके लो के नीचे एंड अगले हफ्ते इसके लो के नीचे कंटिन्यूशंस करना है। आप बोलोगे क्या भाई आशीष बाबू, आप ऊपर का भी डरा रहे हो नीचे का भी डरा रहे हो, यानी ऊपर आप बोल रहे हो 5.5-6, नीचे बोल रहे हो फिर 2.15, व्हाट इज दिस? यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल टू द बायर्स एंड न्यूट्रल टू द सेलर्स। जैसे सेलिंग का इंडिकेशन आएगा तो सेलिंग पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे बाइंग सिग्नल ट्रिगर होगा तो बायर्स का जो पार्टी है वहां पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि इसको तो 2.15 ही आना है या इसको 5.5 ही जाना है, बिकॉज वी आर मेयर सम पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, और ये जो मार्केट होता है बहुत ही बड़ा होता है, ह्यूज, वी कैन नॉट डू एनीथिंग सिंगल हैंडेडली। तो इसीलिए हमें देखना है कि क्या लेवल के ऊपर ये बाइंग टेंडेंसीज दिखाएगा और क्या लेवल के नीचे ये सेलिंग टेंडेंसीज दिखाएगा। एंड स्पेसिफिकली ये काफी हाई, ऑल टाइम हाई नहीं बोलेंगे लेकिन काफी सालों के हाई के लेवल पे है। तो हमें स्पेसिफिकली देखना है कि कंटिन्यूएशन हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल होगा तो अच्छा खासा सेल ऑफ मिलेगा, कंटिन्यूएशन होगा तो उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी है। दिस इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू लुक फ्रॉम द न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, नॉट एज अ बायस्ड पर्सन। डेली बेसिस में देखेंगे एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, जैसे कि हम आपके 28 तारीख का, नहीं आपका 1 जुलाई का जो डेली करेंसी एनालिसिस था, प्री मार्केट एनालिसिस, वहां पे हम बोल रहे थे कि इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं देना है और इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस हो सकता है। तो अभी ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस का कंटिन्यूएशन है, तो थोड़ा सेल अपटिक्स में भी कंटिन्यूड एंड द क्रूशियल इज दिस वन 2.70। उसके लो के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है एंड कंटिन्यू होता है तो वीकली बेसिस का मंथली वीकली बेसिस का एम पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा। दिस वन एम पैटर्न विल गेट ट्रिगर्ड एंड वी मे एक्सपेक्ट 2.15। सो ये हमें देखना है कि हाउ द प्राइस एक्शन इज बिहेविंग इन कमिंग वीक्स। ये जो मंथली पर्सपेक्टिव का एनालिसिस एंड वीकली पर्सपेक्टिव एनालिसिस ये करने के लिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। उसके लिए मीन्स आने वाले दिनों में मैं और कोशिश करूंगा कि और थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर साइट। सो ये जो मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड डेली एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो बिलो डाउन दैट पर्टिकुलर कमेंट कॉलम, एंड योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, व्हाट यू मीन्स थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, हाउ यू परसीव दिस एंड हाउ फर्दर बेटरमेंट्स कैन बी डन। ये अगर आप करोगे तो इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे साइनिंग ऑफ।